रहीम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ऑफ़ क्वेश्चन ग्रुप या फैक्टर ग्रुप क्या होता है और कैसे फाइंड किया जा सकता है सो क्वेश्चन इज डेट डिफाइन द ऑर्डर ऑफ द कोशन ग्रुप नाउ लेट जी बी आ finite group and N be a normal subgroup Normal subgroup of G Now again, we let G by N be a quotient group or you can say factor group of G by N. And this is the index of G, the index of N in G. Here I repeat it define the

अगेन यहाँ पे जो एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप है एंड दिस इज़ द इंडेक्स ऑफ एन इन जी यहाँ पर भी जो एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप है और इस चीज़ को हम इंडेक्स ऑफ एन इन जी पढ़ते हैं अब हम सबसे पहले डेफिनीशंस को देखते हैं क्वेश्चन ग्रुप और या फैक्टर ग्रुप तो so डेफिनेशन है लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी देन द फैक्टर और क्वेश्चन ग्रुप जी बाय एच इज़ डिफाइंड बाय सेट दिस यानी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप होता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो ख़ुद एक सेट की फॉर्म में होते हैं और जो के लेफ्ट या राइट right को सेट्स से बने होते हैं जी के एलिमेंट से और एच जो है वो क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है इस डेफिनेशन को हम इस तरह भी देख सकते हैं इफ़ एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी देन द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंग राइट और लेफ्ट को सेट्स ऑफ एच इन जी फॉर्म अ ग्रुप एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जी बाय एच यहाँ पर सबसे पहले एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो वाला सेट जिसमें तमाम डिस्टिंक रिमेम्बर इट डिस्टिंक राइट या लेफ्ट को सेट्स एच के साथ जो बन रहे हैं इन जी में वो जो सेट होगा वो हमारे पास फैक्टर ग्रुप या कोशंट ग्रुप कहलाएगा जैसे नीचे जी बा एच इक्वल अब वो जो सेट है उसके अंदर किस किस्म के एलिमेंट हैं जी के एलिमेंट जो है वो लेफ्ट को सेट है विद एच नॉर्मल सब ग्रुप तो और ये सब कौन से होंगे डिस्टिंक्ट होंगे तो हमारे पास फैक्टर ग्रुप या कोशन ग्रुप में अगेन आई रिपीट इट किस किस्म के एलिमेंट होंगे जो कि ख़ुद एक सेट की फॉर्म में है पहली चीज़ और दूसरी चीज़ वो जी के एलिमेंट के से लेफ़्ट या राइट को सेट बना रहे होंगे उस नॉर्मल सब ग्रुप जहाँ पे जो हमने एच लिया अब आगे हम डेफिनेशन देखते हैं देखते हैं इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप सबसे पहले डेफिनेशन में पढ़ता हूँ लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी यहाँ पे जो एच है वो सब ग्रुप है जी का देन द नंबर ऑफ डिस्टिंग लेफ्ट और राइट को सेट्स ऑफ एच इन जी इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ एच इन के अकॉर्डिंग सबसे पहले जी एक ग्रुप है और उसका हमने एक सब ग्रुप लिया एच अब इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप क्या होगा टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंग लेफ्ट या राइट को सेट्स ऑफ एच इन जी जो होगा वो कहलाएगा इंडेक्स ऑफ डेट सब ग्रुप जो कि हमने लिया हुआ यहाँ पे एच उसका इंडेक्स कहलाएगा अगेन आई रिपीट इट इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप जैसे कि यहाँ पे एच है इंडेक्स ऑफ एच क्या होगा टोटल नंबर ऑफ डिस्टिक लेफ्ट या राइट right को सेट जो होंगे ऑफ एच इन जी वो इंडेक्स ऑफ एच के लाएगा. तो अब क्वेश्चन ग्रुप और इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप दोनों की डेफिनेशंस को अगर आप देखें तो यहाँ से हमें क्या शो होगा कि जो ऑर्डर ऑफ कोश ग्रुप या फैक्टर ग्रुप होगा वो किसके इक्वल होगा वो इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप के इक्वल होगा अगर वो जो सब ग्रुप वही है जो क्वेशन या फैक्टर ग्रुप में हमने नॉर्मल सब ग्रुप लिया है अगर वही सब ग्रुप है तो उस सब ग्रुप का जो इंडेक्स होगा वो इक्वल होगा कोशंट ऑर्डर ऑफ क्वेश्च और फैक्टर ग्रुप के क्योंकि दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो चीज सेम बन रही है आप देख सकते हैं एक दफा फिर मैं रिपीट करूं क्वेश्चन और फैक्टर ग्रुप में कौन से एलिमेंट हैं जो कि डिस्टिंग एलिमेंट होंगे उस सेट के अंदर और इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप क्या होगा टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंग लेफ्ट और राइट को सेट्स होंगे यानी कि जो इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप होगा वही हमारे पास उतने ही एलिमेंट जो होंगे वो क्वेश्चन या फैक्टर ग्रुप में होंगे जिसको हम ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन या फैक्टर ग्रुप बोलेंगे क्योंकि आपको पता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डेट सेट तो अब हम लिख सकते हैं इंडेक्स ऑफ एन इन जी विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी बाय एन तो अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वी फोर क्लाइंस ग्रुप की इसके कैलेस टेबल में आप कै के, इसके कैलेस टेबल का आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए इसके कैलेस टेबल कैसे बनाते हैं उसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक यहाँ पे शो कर देता हूँ उसको आप लाजमी पहले देखें तो आपको कैलेस टेबल इसके क्लाइंस वी फोर ग्रुप के कैले टेबल के बारे में पता चल जाएगा तो यहाँ पर भी फोर के जो एलिमेंट है वो ई ए बी और ए बी हैं हमने लेट किया एच एक सब ग्रुप है जिसके एलिमेंट है ई एंड ए अब हम वी फोर के तमाम एलिमेंट्स को प्री मल्टीप्लाई करेंगे एच के एलिमेंट के साथ तो पहले हमने एडेंटिटी लिया एडेंटिटी को एच के साथ मल्टीप्लाई करें एच के तमाम एलिमेंट्स के साथ जब एच के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही एच सेट आ जाएगा अब हमने ए एलिमेंट लिया जी का सॉरी वी फोर का उसको एच के एलिमेंट ई e से पहले मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए एज इट इज आ जाएगा अब हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर बन जाएगा और अगर आप वी फोर के कैलेस टेबल में देखें तो हमारे पास ए स्क्वायर जो है वो ई e के को आता है तो ए स्क्वेयर हमारे पास इक्वल e आ गया ई e के और ये अगेन हमारे पास एच सेट ही बन गया अब हमने बी एलिमेंट को एच से प्री मल्टीप्लाई करना है तो बी को जब हम ई e से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा एज इट इज और जब ए से मल्टीप्लाई किया तो ए बी तो ये हमारे पे एक और सेट बन गया और ये डिफरेंट सेट बन गया इसको हम एच वन से डिनोट कर देंगे अब हम वी फोर का लास्ट एलिमेंट ए बी को एच से प्री मल्टीप्लाई करेंगे जब ई e से हमने मल्टीप्लाई किया ए बी को तो हमारे पास ए बी एज इट इज आ गया और जब ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो हमारे पास आएगा ए स्क्यर बी और वी फोर के कैलेस टेबल में ए बी जो है वो बी के इक्वल होता है और ये हम देख सकते हैं तो ये दोबारा ये हमारे पास B एंड ए बी एलिमेंट वाला सेट बन गया जो कि हमने ऑलरेडी H1 से डिनोट किया हुआ तो यहाँ पर हमारे पास दो डिस्टिंग सेट बन गए एक H1 और एक H। एक हमारे पास H1 और दूसरा हमारे पास H जो है ये दो डिस्टिंग सेट बन गए तो यहाँ पे हम आप लिख सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ एच इन वी फोर विच इज़ इक्वल टू टू क्योंकि दो डिस्टिंग लेफ्ट को सेट्स हमारे पास बने हैं क्वेश्चन ग्रुप ऑफ वी फोर बाई एच और एच क्या है वी फोर का नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसमें कौन से हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं एक एच और एक एच वन आ रहा है तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ़ क्वेशन ग्रुप जो है हमारे पास क्या हो जाएगा वो भी टू हो जाएगा क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स आ रहे हैं तो यहाँ से शो हो गया कि ऑर्डर ऑफ क्वेशन और फैक्टर ग्रुप विल बी इक्वल टू इंडेक्स ऑफ द सेम सब ग्रुप विच इज़ ऑलरेडी वी हैव टेकन एज अ नॉर्मल सब ग्रुप इन क्वेश्ट और फैक्टर ग्रुप तो होप्स सो ये आपको ईजीली समझ आ गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा